में भैया? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, अभी तकरीबन टाइम होने वाला है 8:30 का, और अभी अभी मैंने वीडियो को एडिट करके उसे अपलोड कर दिया है, और आप लोग शायद देख भी रहे होंगे। तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी जितना भी घास फूस का जितना भी काम होता है गांव का, वो सारा कर लिया हुआ है। और ये छोटा सा कोई काम था, ये जो होता है ना खूंटा जिसे कहता है गांव में, जिसके ज़रिए हम लोग जानवर इसे बांधते हैं, तो वो निकल गया था। छमरे भाई दे लगा रहा है यार, इसे मजबूती से लगाओ, बार बार इसे निकाल देती है गाय। तो इस खूंटे को ना मजबूती के साथ लगाएंगे तो इसके साथ गायों को बांध देंगे जी। ये देख लो जी, ये फोर्ट ट्रैक्टर हमारा नहीं है, हम लोग किसी का मांग का लेकर आए हैं। तो हमारा ट्रैक्टर जो वो ख़राब हो गया, उसे वर्कशॉप पे देकर आए हैं, और इसको लेकर आए हैं। दो तीन दिन जितने भी काम होगा इस ट्रैक्टर से निपटाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, सबसे पहले नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, खाना खाना है। ये यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं लगता है, खेले हो। देखो जी, ये विशाल की कर रहा है वो, विशाल की कर रहा है वो, ये वीडियो बनाता है और ये तमाशा करना शुरू कर, वीडियो बनाता है ना, तो ये लोग इसी तरीके से तमाशा करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए इन लोगों ने ये सोचा है। यहाँ पर ये बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं। ये बूटा है जी आड़ू का, मैं छोटा सा पौधा लाकर लगाया था, लेकिन ये ना अपने उग नहीं रहा, थोड़ा सा उगता फिर सूख जाता, पता नहीं क्या वजह बन गई है। अभी इसकी डालियाँ तो हरी हरी है, लेकिन ऊपर से एकदम से सूख चुका है ये। अभी अभी दुकान से आया हूँ, तो मैंने वहाँ से आते हुए ये केले खरीद लिए ताकि कुछ खाएंगे। ये पूरा डेढ़ दर्जन था, तो कुछ मैंने खा लिए, कुछ ये पड़े हुए तो इतने नहीं खाएंगे, कुछ अभी वालों को भी देते हैं। अभी अभी मुझे मैसेज आया है जनाब के आप ना कोरोना की दूसरी वैक्सीन अपनी करवा सकते हो। मैंने तकरीबन 1 महीने या 1.5 महीने पहले कोरोना की पहली वैक्सीन करवाई थी, पहली डोज लगवा ली थी, और उसके बाद मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। तो अभी मुझे जाकर मैसेज आया है कि आप जाकर कोरोना की दूसरी वैक्सीन भी करवा सकते हो अपने करीबी सेंटर से। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार चलते हैं जाकर वैक्सीन करवा लेते हैं। हाँ, ये बाइक और चढ़ते हैं अभी बाइक पर। वैसे लोग तो डरा रहे हैं कि वैक्सीन मत करवाओ क्योंकि 5 साल के बाद कहते हैं मर जाएंगे। अब देखते हैं जी क्या होता है। तो जी अभी मैं हॉस्पिटल में आया, और यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर जो वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। तो कल सुबह फिर डॉक्टर ने आने को बोला, कल सुबह आएंगे फिर पता चलेगा कि वैक्सीन है या नहीं है। तो ये जी अभी चलते हैं घर, फिर से बाइक पर चढ़ते हैं, वैक्सीन तो नहीं लगी हमारी। अभी जी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफान और हवा चल रही है, मौसम एकदम से बिगड़ रहा है जी। अब मेरे पीछे देखो, पत्ते दरख्तों के बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, ये देख लो जी कितनी ज़्यादा तेज़ तूफान। हवा में बाहर मत निकलो, उड़ जाओगे तुम। तो ये भालू इधर तो जैसे ही यानी कि हवा तेज होती है तो बच्चे यहाँ खेलने कूदने के लिए बाहर निकल जाते हैं। मौसम देख लो बाकी कितना ज़्यादा शानदार बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा दिल कर रहा था कि ऐसी एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें जो भी लोग मुझे वॉच करते हैं, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और लाइक भी करते हैं, उन लोगों का नाम मेंशन किया जाए, यानी कि मेरी वीडियो में उन लोगों का नाम बताया जाए कि कौन है वो लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मेरा वीडियो कभी कभी नहीं आता और इतना लाइक भी नहीं होता, फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और उनमें से मैं कुछ ऐसे भाइयों का भी नाम लेना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा और मुझे हर वीडियो पर सपोर्ट करते हैं, और उनमें से सबसे पहले नंबर पर है टेक्निकल मिथुन भाई। ये भाई मेरी हर वीडियो को वॉच करता है, हर व्लॉग को वॉच करता है, और तकरीबन फुल वॉच करता है। और उसके अलावा ये हर वीडियो पे अच्छा कमेंट करता है। तो यार आप लोगों का ना इस तरीके अच्छे कमेंट्स को देखकर ना हम मोटिवेट होते हैं, हमारा दिल करता है कि हम और भी ज़्यादा व्लॉग बनाएं, काम करें, कि हमें सपोर्ट करने वाले हैं कोई। हालांकि व्यूज़ में नहीं देखें कि व्यू 10 है या 15 है, ये नहीं देखता हूँ। असल बात तो ये होती है कि हमें सपोर्ट करने वाले कितने हैं, हमें कमेंट करने वाले कितने हैं। और उनमें से एक अशोक निराज भाई भी है जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहता हूँ, थैंक यू, दिल से थैंक यू। इसी तरीके से यार सपोर्ट करते रहो, इसी तरीके से लाइक करते रहो, आप लोगों का प्यार है तो मैं हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं ये नहीं देखता कि यार व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है व्यूज़ आए या ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं बस वीडियो बनाऊँगा आज से।
आज से क्या ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा, क्योंकि आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते हो ना, तो दिल करता है कि यार अभी हमें भी सपोर्ट करने वाला है तो वीडियो बनाते रहे। थैंक यू। क्या निकला है आपके सिगरेट में से? ये तो आपको 1, 2, 3 मोबाइल फोन निकल गया है। रियल चिक ये आपका चेक है और 3 मोबाइल फोन है। 1, 2, 3 कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, 3 मोबाइल फोन निकला है, वो भी सेक्टर की डब्बी से है ना, मजा लग गया ना? बहुत मजा लग गया। आग पर क्या हुआ, आग छुपा रहे हो? यहाँ पर क्या हुआ है? ये जो है डेब्बू है, वो आपको यहाँ से लड़ा था डेब्बू। अच्छा अच्छा, वो पीले रंग के होता है ना, येलो कलर के होता है, उसे नाम बता दिया उर्दू अब क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर डेब्बू कहते हैं, तो वो आग पर यहाँ पर काट लिया है, तो थोड़ी सी ना सोच गई है, सोच चढ़ गई है ना। अभी ये खाने के लिए जज कर रहा, रोटी इसे नहीं मिली, रोटी यहाँ पर पड़ी हुई है और इसे नहीं मिली, तो ये जज कर रहा है। और एक वो भी रोटी के इंतज़ार में, ये भी रोटी के इंतज़ार, रोटी इधर पड़ी हुई है, अभी देते हैं। हमारा टाइम भी खाने का हो चुका है और मुझे लगता है अभी इस व्लॉग को यहीं पर डी एंड कर देना चाहिए, और मिलते हैं कल सुबह एक नए और ताज़े फर्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय।